हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सॉरी, मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है, कोल्ड कफ हो गया है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। और आज है वैलेंटाइन वाला दिन, तो वैलेंटाइन वाला दिन एज सच नथिंग इज़ प्लान्ड एज़ यूजुअल लाइक एवरी ईयर। तो बच्चों ने बोला कि आज वैलेंटाइन डे है तो आप पाव भाजी बना दो। तो फिर ये है, अदरक लहसुन का पेस्ट, कांदा और टमाटर यहाँ पर डाल दिया है घी और बटर में, तेल और बटर में, और ये कुछ सब्जियाँ इनको बॉईल कर लिया है। इसको मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी, मैं इस तरह बनाती हूँ। और थोड़े से आलू भी डाल देंगे। अब वो जो हमारा कांदा टमाटर का मिक्सचर है सॉफ्ट हो चुका है, तो उसमें हम नमक डाल देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च एंड पाव भाजी मसाला। मेरे पास बीट रूट नहीं था तो इसलिए मेरा पाव भाजी का कलर रेड नहीं हुआ, थोड़ा ऐसे लाइट इन कलर था, बट नेवर माइंड। और यहाँ पर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मैं केक बनाऊँगी, तो शी इज़ डूइंग ऑल द प्रिपरेशंस फॉर द केक। मीन वाइल यहाँ पर केक की तैयारी होते हुए, और इस तरफ से आप देख लीजिए कि मेरा यहाँ पर पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें बस सारे मसाले डालना है और पानी अपने अकॉर्डिंगली डालना है, एंड में और थोड़ा सा बटर। जितना ज़्यादा बटर उतना अच्छा पाव भाजी बनता है आपका, ये तो सबको पता है। बस मसालों को मैं क्या करती हूँ, पहले ना कांदे टमाटर के पेस्ट में थोड़ा सा भून लेती हूँ, ऊपर से नहीं डालती, वो पता नहीं क्यों ऐसे रॉ जैसे लगता है। तो ये मसाले यहाँ पर भुन जाएंगे, फिर सब्जियाँ और आलू डाल के हम इसे मैश कर लेंगे और पानी डाल के नमक डाल के अच्छे से पका लेंगे बस। और क्या, पाव भाजी बनेगा। उसके बाद शाम को थोड़ी सी क्राफ्ट मेला में जाऊँगी, वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर साल यहाँ पर जनवरी में लगता है, मैंने इसका एक और वीडियो बनाया है, तो वो करेंगे। अंटिल देन एन्जॉय दिस। जी, पहुंच चुकी हूँ मैं क्राफ्ट मेला। ये 30th है ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, ये मुझे भी पता चला। और यहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगा, 30 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन बस। और एक्सप्लोर करते हैं ये मार्केट को। थोड़ी मोड़ी शॉपिंग करी है मैंने, खास नहीं पर ठीक है।
And heading home now. कैसा यूट्यूबर बनेगा रे, तो तू भी काट ले। हाँ तू भी काट, तू भी काट। कांदा नहीं मैं कर रहा हूँ, कुछ तो आवाज आ रहा है, कोई बात नहीं। हाउ डज इट टेस्ट? एसपी इज ईटिंग समोसा एंड सोमी एंड सोमा कटिंग वैलेंटाइंस केक एंड वाइट्स। अरे रेड वाइट वाइट क्यों हो रहा है यार, ये कट ही नहीं रहा है तुम लोगों से। मस्त है, मस्त है। कहाँ मैंने? मैंने नीचे का काटा नहीं है ना, इसे सॉफ्ट नहीं है। अच्छा। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रेसिपी। तो आज की रेसिपी मैं बना रही हूँ गरम मसाले की रेसिपी। तो पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पर मैंने जीरा को भून लिया, फिर मैंने मेथी को भून लिया। फ्लेम लो रखना है और थोड़ा सा, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता ना तब तक आप इसको भूनिए। लाइट ब्राउन, डार्क नहीं करेंगे, डार्क करने से टेस्ट चेंज हो जाएगा। बस थोड़ा सा गर्म हो जाए उतनी देर आपको इन सब चीज़ों को, खड़े मसालों को सारे भुन के रोस्ट करके निकालना है। एक साथ नहीं भुनना, क्या करना ना, अलग अलग भुनना। जैसे जीरा और मेथी तो अलग ही अलग, जीरा और धनिया तो आपको अलग अलग ही भुनना है। बाकी थोड़ा एक दो चार साथ में कर दिए तो कोई इश्यू नहीं। अब यहाँ पर मैं धनिया भी भून लूँगी। ये मसाले मेरी मम्मी बनाती थी, अब तो नहीं बनाती है, पर इनिशियल स्टेज में जब मतलब अपने दिन थे तब मम्मी बनाती थी, वो भी किलो किलो में बनाती थी। तो हम तो किलो में नहीं बना रहे, थोड़ा सा बना के रख लेंगे, फिर लगेगा तो फिर दो तीन महीने में जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर बना लेंगे। मम्मी लोग का कैसे रहता था, साल भर का स्टॉक रहता था, तो दैट आई एम नॉट डूइंग। मैं थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर बना रही, थोड़ी बैचेस में। तो यहाँ पर मेरे जीरा और धनिया मैंने भून लिया है, मेजरमेंट्स मैं आपको बता दूँगी। और अब डाल रही हूँ सौंफ। मेजरमेंट जैसे कि धनिया 1 कप है तो जीरा 3/4 कप है, जीरा थोड़ा कम रहेगा। और ये जो मैंने सौंफ लिया है ये भी 1 या 2 टेबल स्पून भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं रहेगी। ये भी भुन चुका है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे एक तरफ साइड करके। अब और जो खड़े मसाले हमारे पास हैं वो भी हम इसमें डाल लेंगे। खड़े मसाले के साथ साथ जैसे कि अब मैंने डाल दिया है यहाँ पर लवंग और रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर नहीं है। अगर आपके पास जैसे सूखी लाल मिर्च नहीं है ना तो आप रेड चिली पाउडर भी मसाले के साथ पीस लेंगे तो चल जाएगा, कोई वो इश्यू नहीं है। तो ये दोनों चीज़ भी मैंने भून ली। अब बारी आती है हमारे इलायचियों की और काली मिर्च की। तो बड़ी इलायची और हरी इलायची और फिर काली मिर्च, वो यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्राउन होना है और इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इन सब चीज़ों को हमको ठंडा करके फिर पीस लेना है। दैट्स इट, हमारा गरम मसाला बन गया, इतना सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। अब इसमें जा रहा है सिनेमन स्टिक्स, तेज पत्ते, दगड़ फूल, ठीक है, दगड़ फूल, सिनेमन स्टिक्स, तेज पत्ते, इन सब चीज़ों को डालना। मेज़ डालना है, जावित्री। तो ये सब जो क्वांटिटी है आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा, या आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया स्टार अनीस और एक जायफल डाला है मैंने,
एक ही जायफल डाला है। अब इसे भी हल्का ब्राउन होने तक मैं रोस्ट कर लूँगी, फिर इसे ठंडा करूँगी और मिक्सर जार में इसे पीस लूँगी। मैंने जो जायफल है ना उसको मैंने पीसने के पहले थोड़ा सा कूट लिया था, क्योंकि खड़ा जायफल, मेरी मिक्सी बहुत पुरानी है तो इतना फाइन नहीं करती, इसलिए मैंने पहले से कूट लिया। आप चाहें तो ये सारे मसाले भी आप कूट के फिर मिक्सर में पीस सकते हैं। तो पीसने के बाद बस क्या करना है, इसे ठंडा करिए, पीसिए और फिर ठंडा करिए, फिर एयरटाइट कंटेनर में आप इसे रख लीजिए। लीजिए आपके गर्म मसाले एकदम फ्रेश, पूरा घर मेरा महक रहा था जब मैंने मसाला तैयार किया, मतलब वो रात भर तक वो स्मेल आ ही रही थी। और फ्रेश मसाले हैं तो सब्जी भाजी में भी टेस्ट जरा अलग ही हो जाता है, फ्रेशनेस का पैकेट वाले चीज़ों में फ़र्क होती है। तो ये रहा मेरा पाउडर, गर्म मसाला पाउडर बनकर रेडी है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्वांचल तड़का। सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।